सो गाइज, जैसे कि मैंने एक टीडीएम स्लाइड के ऊपर वीडियो बनाया था, जो गाइज आप लोग रिवर्स स्लाइड भी कर सकते हो पीछे की ओर, ठीक है। तो गाइज वो आप लोगों को करने से पहले आप लोग ऊपर आई बटन पे जो शो हो रहा है वीडियो, स्प्रिंग बटन रिवर्स वाला, ठीक है, तो वो पहले देखो, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ आएगा। इसमें मैं हैंडके में बताया हूँ कैसे आप लोग स्प्रिंग बटन को नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज देखो, जैसे कि मैं पहले ये बता देता हूँ, बहुत सारे बंदे का जब ये आप लोग सेटिंग करते हो तो स्प्रिंग बटन मिडिल पे हो जाता है और फिर आप लोग वहाँ से निकाल नहीं पाते हो। तो गाइज सही करने से पहले क्या करना पड़ता है, देखो आपको सेव कर देना, फिर कोई और बटन पर प्रेस करना, फिर मिडिल पर क्लिक करना, स्प्रिंग बटन आपका ऊपर आ जाएगा। फिर आप लोग स्प्रिंट बटन को यहां पर क्लिक करना, देखो गाइस यहां पर स्प्रिंट बटन पर जैसे मैं क्लिक करता ये ऊपर आ गया, फिर से ये सही हो जाएगा। बाकी चलो आपको बताते हैं अब स्प्रिंट बटन को नीचे कैसे करना। गाइस देखो, यहां पर आप लोग को अभी रिवर्स सेटिंग बताते हैं आप लोगों को कैसे स्प्रिंट बटन को नीचे करना। तो गाइस सबसे पहले आप लोग स्लाइड को यहां पर इनेबल कर लो, अगर आपका डिसेबल है तो, ठीक है, इनेबल कर लेना। उसके बाद गाइस आपको जॉयस्टिक को यहां पर हल्का सा ऊपर ले जाना, और जैसे फुल ऊपर आप लोग ले जाओगे कोई भी डिवाइस आपका हो जाएगा, ये नहीं कि आपका आईपैड है तभी होगा, कोई भी डिवाइस पर हो जाएगा। तो गाइस यहां पर स्प्रिंट बटन पर लाने के लिए पहले आपको जॉयस्टिक को कम ज्यादा करना पड़ता, फिर स्प्रिंट बटन पर तुरंत क्लिक करना पड़ता है, तभी उस पर आप लोग कम ज्यादा कर सकते हो। बाकी देखो यहां पर आपको क्या करना, जॉयस्टिक को हल्का ऊपर ले जाना, स्प्रिंट बटन पर फिर क्लिक करना, फिर स्प्रिंट बटन देखो बीच में जब हम लोग का फंस जाता तो आप लोग यहां पर क्या करना, हल्का सा इसको स्प्रिंट बटन को क्लिक करके ऊपर ले जाना। उसके बाद आपको जॉयस्टिक को भी ऊपर ले जाना, फिर स्प्रिंट बटन को क्लिक करके नीचे प्रेस करना, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना, मतलब उसे नीचे खींचना, फिर आपको स्प्रिंट बटन को हल्का सा मतलब नीचे पर रहने देना और जॉयस्टिक ऊपर ले जाना। जॉयस्टिक ऊपर ले जाओ तभी जो स्प्रिंट बटन आपका नीचे आएगा, फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे लाना स्प्रिंट बटन को, ठीक है। आप लोग जितना स्क्रॉल बड़ा करके मतलब स्प्रिंट बटन को नीचे स्क्रॉल करोगे वो नीचे आएगा, ठीक है। तो जैसे आएगा आप लोग को फिर यहाँ पर आप लोग जॉयस्टिक पे क्लिक करके सेव कर देना, और जैसे आप लोग सेव करोगे फिर देखोगे स्टेडियम पे ये होगा कुछ। सो गाइस देख सकते हो ये पीछे स्लाइड हो रहा है। तो गाइस आप लोग स्लोमो में देख लो मेरा थंब क्या हो रहा है, मतलब जॉयस्टिक पे कि कैसे हो रहा है, देखो गाइस। सो गाइस कुछ इस तरह से स्लाइड होता है। अभी आप लोग को नहीं समझ आ रहा तो ऊपर आई बटन है गाइस, वहाँ पर आप लोग देख लो स्लाइड मैंने कैसे किया हूँ। बस ये वीडियो बनाने का मेरा ये था कि आप लोग को बताना था हैंडकैम पे कि आप लोग स्प्रिंट बटन को कैसे नीचे ला सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।